नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कस्टर्ड हलवा। ये बाकी हलवे से स्वाद में और टेक्सचर में एकदम अलग होता है, स्पंजी, मुलायम और कलरफुल है। तो बनाना शुरू करते हैं कस्टर्ड हलवा। इसके लिए मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, 1 कप ये मैंने लिया है, इसमें डाल लेती हूँ। एक कप कस्टर्ड पाउडर लिया है तो 1 कप ही मैं इसमें पानी डालूंगी और इसका घोल तैयार कर लूँगी, इसमें एक भी गांठ ना पड़े। ये हमारा अच्छे से घुल गया है, एक भी लम्स नहीं है। अब मैं अपनी चाशनी बनाती हूँ। तो 2 कटोरी मैं चीनी लूँगी उसी नाप से जिससे मैंने कस्टर्ड पाउडर नापा था। 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी ही पानी डालूँगी। और धीमी आंच पर इसका सिरप बनाऊंगी मैं। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस चीनी भूनने तक थोड़ा सा पकाना है। ये हमारे चीनी का घोल अच्छे से तैयार हो गया, 2 मिनट मैंने इसको पका लिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना कस्टर्ड का घोल डालूंगी और इसे बराबर चलाते रहें। अब इसमें मैं थोड़ा इलायची डाल देती हूँ, इलायची पाउडर। गैस धीमी कर दें। अब इसमें मैंने काजू टुकड़े करके रखे हुए थे 1/2 कप, वो डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच घी डालूंगी, एक साथ ना डालें, एक एक चम्मच करके डालें। आपके पास ट्रे हो तो उसमें घी लगा लें, वरना मेरे पास ये डिब्बा था, इसमें मैंने आयल लगा लिया थोड़ा सा। मैं इसमें अपने बैटर को डालकर जमा दूंगी। मैंने 50 ग्राम कस्टर्ड से बनाया था इसलिए मेरी कम क्वांटिटी है, आप ज़्यादा का बना सकते हैं। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए सेट होने तक रखूँगी। डर लगे इसलिए हम थोड़े से बादाम के लच्छों से ऊपर से सजा देंगे। ठंडा होने पर इसके मैं पीस काट लूँगी। देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है, एकदम जेली के आकार का है। आप इसको काट के आराम से देख सकते हैं, ये देखिए। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।